आज हम बात करेंगे दूसरी लेयर की, दैट इज़ स्ट्रेटोस्फेयर। इससे पहले की वीडियो में हमने ट्रोपोस्फेयर के ऊपर बात की थी, आज हम बात करेंगे स्ट्रेटोस्फेयर पे। स्ट्रेटोस्फेयर जो होती है वो सेकंड लेयर है। फर्स्ट लेयर तो ट्रोपोस्फेयर थी, जिसमें आप देखते हो क्लाउड्स बनते हैं, क्लाइमेट चेंज होता है, सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है ट्रोपोस्फेयर में ही। हम ट्रोपोस्फेयर के अंदर रहते हैं, लेकिन आपने नोटिस करा है कि ये जो प्लेन्स हैं वो कहाँ उड़ते होंगे, तो ये उड़ते हैं ट्रोपोस्फेयर के ऊपर की लेयर, दैट इज़ स्ट्रेटोस्फेयर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है बादल नहीं बनते, इस वजह से स्ट्रेटोस्फेयर में प्लेन उड़ाए जाते हैं। तो हम समझने की कोशिश करेंगे ट्रोपोस्फेयर को। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाके देखिए, वहाँ पर हमने ट्रोपोस्फेयर एंड बेसिक्स कवर करे थे। अब हम स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर कंप्लीट वीडियो लेकर आए हैं। स्ट्रेटोस्फेयर जो होती है ये 50 किलोमीटर तक होती है, आपकी ट्रोपोस्फेयर से 50 किलोमीटर तक होती है। हमने पिछली वीडियो में देखा था 18 किलोमीटर तक विषुवत रेखा पर, दैट इज़ इक्वेटर के ऊपर 18 किलोमीटर तक था ट्रोपोस्फेयर। तो और ऐसे ही हम ट्रोपोपोज के बाद देखेंगे 50 किलोमीटर जो होता है वो होता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर का। ये जो होता है ये ध्रुवों पर मोटा होता है, लेकिन विषुवत रेखा पर पतला होता है। ध्रुवों पर, पोल पर ये 50 किलोमीटर है मोटाई में, लेकिन वहीं पर ये अगर हम इसको इक्वेटर पे देखें तो इसकी मोटाई कम हो जाती है, ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर समथिंग। ये ट्रोपोस्फेयर से उल्टा होता है। ट्रोपोस्फेयर में जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे जैसे आप हाइट पर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो होता है वो घटता चला जाता है, वहीं स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे जैसे आप हाइट पर जाओगे तो टेम्परेचर जो होगा वो आपका बढ़ता चला जाएगा, वहाँ पर टेम्परेचर आपका बढ़ता चला जाता है। तो ये उल्टा हुआ, और वहाँ पर जो है आप मेज़र जो है स्ट्रेटोस्फेयर में आप ओजोन लेयर देखते हो। ओजोन लेयर जो होती है ये 15 से 35 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। इसका ज़्यादातर पाया जाना 22 किलोमीटर पे है, 22 किलोमीटर पे ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है अपनी। तो ओजोन लेयर पे प्लेन नहीं उड़ रहा है, ओजोन लेयर तो ऊपर है। देखिए ओजोन लेयर के नीचे जो होते हैं ट्रोपोपोज के बाद, यहाँ पर हमारे बीच में प्लेन्स उड़ते हैं। ये ओजोन लेयर क्या करती है? ओजोन लेयर हमें यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती हैं, जो बी एंड सी वाली होती हैं, ए को आने देती है। ये एक शॉर्ट वीडियो में बताया गया है, यूवी रेस ए बी एंड सी, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि यहाँ पर मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, वो तो सारी की सारी इसके नीचे वाली लेयर ट्रोपोस्फेयर में होती है। यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है हाइट के साथ बढ़ने के साथ साथ बढ़ता चला जाता है, इसीलिए यहाँ पर, क्योंकि हमने ट्रोपोस्फेयर में देखा था पिछली वीडियो में कि ये -50 तक जाता है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर टेम्परेचर प्लस, मतलब वही 0 डिग्री तक पहुँच जाता है बढ़ते बढ़ते। जो हमारा इक्वेटर पे टेम्परेचर होता है ट्रोपोस्फेयर में वो -80 तक जाता है, और जो पोल्स होते हैं वहाँ पर टेम्परेचर -45 तक जाता है। इसके उल्टा अगर हम बात करें स्ट्रेटोस्फेयर में, तो जो टेम्परेचर होगा वो जाएगा जीरो डिग्री, मतलब बढ़ते बढ़ते ज़ीरो तक पहुँच जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और विशेषता होती है, यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट का मतलब मान लेते हैं जैसे -80 से हम ऊपर जाते जा रहे हैं -60, -40, -40, इस तरीके से ये टेम्परेचर जो है वो ऊपर जाता जा रहा है। ये वाला एरिया जो है यहाँ पर सिर्फ -80, यहाँ पर सिर्फ -60, मतलब घटेगा नहीं बढ़ेगा नहीं, उतना ही रहेगा। तो कांस्टेंट टेम्परेचर है, आप देख सकते हो। बाकी आपको बता ही दिया, जैसे जैसे ऊपर जाओगे जो टेम्परेचर होगा वो भी बढ़ता जाएगा, घटने के बदले उल्टा होगा आपका ट्रोपोस्फेयर से। तो आई होप आपको स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर समझ आई होगी। यहाँ पर मेजर जो चीज़ पाई जाती है वो है ओजोन।
फर्स्ट लेयर हमने जो इससे पहले की थी वो लेयर एनवायरनमेंट चेंजेस वगैरह के लिए, सेकंड वाली लेयर जो होती है वो ओजोन के लिए जानी जाती है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। ये सेकंड था, अब हम थर्ड वीडियो लेकर आएंगे, उसमें हम इसके आगे की लेयर की बात करेंगे, दैट इज़ मध्यम मंडल मेजोस्फेयर, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू सो मच।